मैं जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। पिछले दिनों रीवा में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पार्टी को कैंसर बताया था। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। अरे कांग्रेस को भी कैंसर से सदा के लिए मुक्ति पाना है, जरा दोनों हाथ जोर से उठा करके बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। श्री राम जय। श्री राम। आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को किस तरीके से उन्होंने कांग्रेस को कैंसर करार दिया। भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा की इस सभा में भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज मौजूद, फिर चाहे वह केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते हो, प्रख्यात कलाकार गोरखपुर के सांसद रवि किशन हो, या फिर रीवा सतना के सांसद, तमाम लोगों की मौजूदगी थी। पलटवार करने की बारी अब कांग्रेस की थी। मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेन सिंह पन्ना कांग्रेस को कैंसर बताने को लेकर काफी गुस्से में थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अंग्रेजों की जूती उठाने वाली पार्टी करार दे डाला। सुनिए पूर्व विधायक ने क्या कुछ कहा। मैं उनको क्या कहूँ, डिप्टी सीएम बन गए, जनता ने उन्हें चुनाव जिताया, आप डिप्टी सीएम बने, उनको शर्मानी चाहिए, उनको समझना चाहिए। अगर कांग्रेस नहीं होती तो उनकी पीढ़ी अभी अभी अंग्रेजों की जूतियां उठा रही होती। तो कम से कम कांग्रेस को कैंसर ना कहें, वो जिस दल में है उस दल के बारे में बात करें कि जो दल हमेशा उनका सदैव अंग्रेजों की गुलामी किया, जूतियां ढोए। और मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर कांग्रेस नहीं होती तो देश में भारत की और आम नागरिकों की क्या हालत होती। तो कांग्रेस कहीं न कहीं आजादी की लड़ाई लड़ी है, और देश में जो भी आज कुछ है 70 सालों में कांग्रेस की देन है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, हवाई जहाज हो, जो जो दिया है, सिंचाई की व्यवस्था हो, कांग्रेस ने दिया है, उनको समझने की जरूरत है। विधानसभा चुनाव की तारीखों का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर प्रारंभ हो गया है, यह लगातार बढ़ता हुआ नजर आएगा। हमारी नजर इस पर भी बनी रहेगी। ताज़ातरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।